अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, उम्मीद है आप खैरियत से ठीक ठाक है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बॉक्स ट्रक के बिजनेस के मुतालिक। बॉक्स ट्रक के बिजनेस के मुतालिक क्या कॉस्ट है, क्या एक्सपेंस है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। आप देख रहे हैं शिपत वांडवी, ये ट्रक देखें, मोटर उधर चला गया, वीडियो को देखे ना उस तरह मुड़ गया। बैकिंग कर रहे हैं ये, तो इस पर शुरू करते हैं जी। मेरा नाम मोहम्मद शफकत है, जो नए हैं उनको मैं बता दूं, मैं इसमें जो है ना मोस्टली एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। अब अगर आवाज़ आ रही है मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूं, ख्याल है इसको ऊपर कर देता हूं, सो दैट अब ये ना आवाज़ थोड़ी कम होगी, थोड़ी सी आवाज़ ना क्लियर होगी, अदरवाइज ना शोर आता रहता है। तो बॉक्स ट्रक का जो बिजनेस है उसके लिए आपको नॉर्मल लाइसेंस चाहिए, उसके लिए कोई आपको CDL वगैरह नहीं चाहिए। नॉर्मल लाइसेंस से आप जो है ना बॉक्स ट्रक का बिजनेस कर सकते हैं। जो जो पहले है ना इसकी कॉस्ट में बॉक्स ट्रक में, अब यहाँ पे कोई खड़ा है मैं दिखाता हूँ, ये सामने खड़ा हुआ बॉक्स ट्रक है छोटा सा, ये सामने बॉक्स ट्रक है, ये वाला नहीं, ये वाला 26 फुट बॉक्स ट्रेलर जो है ना। अब ये देखिए सामने ये छोटी सी, मतलब ऐसे वो लगी हुई है, छोटा सा GMC का है ट्रक, बॉक्स ट्रक 26 फुट। और इसको जो है ना इसको इस्तेमाल पे शुरू में खरीदें, अगर यूज पे अगर आप बाय करेंगे तो वो बेटर रहेगा। कोई भी जॉब आपने बिजनेस स्टार्ट में करना है, पहली दफा करना है, तो बेटर यह है कि आप इस्तेमाल शुदा जो है ना वो चीज इस्तेमाल करें। उसका फायदा आपको ये होगा कि इन केस अगर आपने लीज पे या नया बाय किया हुआ है तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है, वो फिर मसला बनता है, लेकिन अगर आपने इस्तेमाल पे चीज ली है तो वो फिर भी बेटर निकलती है। अच्छा, इसकी जो पहले बात करें कॉस्ट की, इसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 10,000 to, इधर करें मैं हाथ तो सही करूं इस तरफ, 10,000 से लेके तकरीबन $20,000 के दरमियान तक ये वाला बॉक्स ट्रक आपको वो मिल जाएगा। और ये तकरीबन आपको फेसबुक की मार्केट प्लेस से मिल जाएगा, और या फिर ऑफर अप एक ऐप है उधर से मिल जाएगा, लेकिन आजकल ज्यादातर जो है ना फेसबुक की मार्केट प्लेस है, ये बड़े टॉप ट्रेंड में है, मतलब यहाँ पे जो है ना रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। तो जो लोग होते हैं उसी को सेल कर रहे हैं, 10 से लेके 15,000 तक का होगा। अच्छा, पहले तो बाय करना है, फिर इसमें जो है ना बाकी वाला तरीकेकार वो सारे सेम है कि आपने जो है ना कंपनी खोलनी, कंपनी तो आपने डेफिनेटली पहला स्टेप है, पहले कंपनी खोली होगी। ये जो बाय करने वाला प्रोसेस है नंबर फोर स्टेप है, पहले पे तो कंपनी खोलनी होती है, वो आप जिस स्टेट में है उस स्टेट की वेबसाइट पे जाके आप ओपन अ कंपनी करें। आपकी जो बिजनेस का नाम यूनिक होना चाहिए, जो किसी और का ना हो, और फिर उसके बाद आपने EIN नंबर लेना होता है, जो आप IRS की वेबसाइट है वहां से जाके ले सकते हैं। EIN नंबर लेने के बाद फिर आपने जो है ना ये ट्रक खरीदें, फिर उसकी इंश्योरेंस लें, और ये इस्तेमाल शुदा लें तो जरा बेटर है। इंश्योरेंस के बाद फिर आप जो है ना इसको ऐसा ऐसा जब वो रेडी हो जाता है फिर आप इसका लोड लेना स्टार्ट करें। लोड जो है ना आप लोड बोर्ड से भी ले सकते हैं, डिफरेंट ऐप्स बनी है वहाँ से भी ले सकते हैं। फिर इसके अलावा इसके बिजनेस करने के पहले मैं तरीके, फिर कॉस्ट, फिर एक्सपेंस के बता, पहले मैं ना मेन इसका आइडिया दे दूँ, फिर उसके बाद कॉस्ट तो मैंने बता दी, एक्सपेंस की उसके बाद बात करते हैं। तो बिजनेस करने में आप जो है ना इसका DAT जो ऐप है वहां से कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना ये अमेजोन के लोड हैं जिसमें बॉक्स ट्रक के पर्टिकुलर लोड्स होते हैं, इसके अलावा और भी ब्रोकर्स होते हैं जो बॉक्स ट्रक के लोड देते हैं, इस पे जो है ना वो आप उधर से लोड ले सकते हैं। कंपनी खुली हुई है, आपने ये ट्रक लिया हुआ है और 10 से लेके 20,000 तक। फिर इसके अलावा इसके बिजनेस में ना एक और भी तरीका, आप अपने तौर पर भी जो है ना लोड, जैसे आपने कोई इसका एक ना कार्ड बनाया हुआ है बॉक्स ट्रक का, उस कार्ड को जो है आप डिफरेंट जगह पे जहाँ से कोई प्राइवेट, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट हो सकती है, प्राइवेट एडवर्टाइजमेंट जिसमें किसी ने लोग अपना सामान इधर से उधर लेके जाना है, तो वो आप इसमें कर सकते हैं प्राइवेटली तौर पे। उसका भी रेट आप डिसाइड कर सकते हैं पर माइल के हिसाब से, कम अज़ कम $3 तक होना चाहिए, $3 से कम आप लेंगे तो फिर नुकसान है। लोडिंग अनलोडिंग तो ये डिपेंड करता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना रेट इसका एडजस्ट कर लेते हैं मार्केट के हिसाब से। और ये भी एक और मिसाल ट्रक आ रहा है, नहीं ये तो फिर फुल ट्रेलर है, 26 53 फिट।
बड़ा ट्रेलर। अच्छा इसमें क्वेश्चन ये है कि यार ये जो बॉक्स ट्रक वाले बेहतर है या जो जैसी ये डे कैब है, डे कैब बेटर है? डे कैब में अर्निंग तो ज्यादा है, बट जब 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 किसी चीज में अर्निंग ज्यादा होती है तो फिर उसमें थोड़ा सा हेडेक भी ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सपेंस भी ज्यादा होता है, फ्यूल भी ज्यादा होता है। आपको पता है ये डे कैब एक गैलन में कितने लीटर करता है, कितने करता है माइल? ये वाला जो डे कैब है ना, ये वाला, ये एक गैलन में करता है 4 माइल्स करता है, 4 माइल एक गैलन। ये बड़ी अच्छी एवरेज है, बल्कि इस्तेमाल शुदा 3 पे भी कर जाते हैं, 3 पे भी जाके 3 यानी के माइल पर गैलन करते हैं। तो बॉक्स ट्रक अगर इजी करना हो, कम करना हो, तो फिर बॉक्स ट्रक उसमें बेटर है। अदरवाइज थोड़ा सा अगर आपका एक्सपीरियंस है, कमर्शियल लाइसेंस लिया हुआ, देन फिर आप ये डे कैब कर सकते हैं। अभी हम डे कैब की नहीं बात करेंगे, अभी हम सिर्फ बॉक्स ट्रक के बिजनेस की बात करेंगे। अच्छा बॉक्स ट्रक में जो है, सॉरी मैं जो है ना वीडियो को ना ज्यादा कटिंग नहीं करूंगा, मैं इसको जो है ना नेचुरल ही इस तरह रखना चाहता हूँ, ताकि लाइव ही आपसे बात हो रही है। तो ये तो तरीका कार है उसका लोड लेने का, और इसका जो है ना कंपनी खोली, फिर उसमें EIN नंबर लिया, उसके बाद फिर लोड लिया। अब तो ये तो सारा चीजें आ गई कॉस्ट में आ गई। इसकी कॉस्ट मिला मिलो के तकरीबन, अगर आपने ट्रक बिलफर्ज $15,000 का लिया, तो $20,000 के अंदर अंदर सारा कुछ हो जाएगा, आपकी इंश्योरेंस भी, एवरीथिंग 20। अब ये $15,000 से कम का भी ट्रक आ जाता है, 10,000 का भी आ जाता है, लेकिन ये है कि जो सस्ती चीज होती है डेफिनेटली उसमें कोई ना कोई चीज हाइड की होती है, वो आपने फिर देखना ज्यादा पड़ता है। लेकिन 10 से लेके जो 15 तक की, 20 तक की रेंज में इस्तेमाल शुदा ट्रक जरा बेटर आ जाता है। अच्छा जी चलो ठीक है, ट्रक ले लिया, कॉस्ट भी होगी। अब इसका एक्सपेंस, एक्सपेंस में इसकी फ्यूल होती है, फिर आपने जिस ऐप से लोड लेना होता है ना, उसके $40,000-$50,000 वो होते हैं, फिर इसमें जो है मोबाइल का है और चीजों का एक्सपेंस है, इस तरह के ये तमाम मिला मिलू के एक्सपेंस, वो भी आपके तकरीबन इंश्योरेंस का एक्सपेंस जो है वो भी, जस्ट लेट्स सपोज आपने एक मंथ में आपने $8,000 किया, और इसमें ये जो एक्सपेंस है वो मिला के $6,000 के पास पास आते हैं, या कभी सॉरी 8,000 की किया तो ये $2,500 की, $8,000 इन अ मंथ, वन मंथ अगर आपने लेट्स सपोज अर्न किया है, तो इसमें जो आपके एक्सपेंस है वो है $2,000, जिसमें इंश्योरेंस आएगा, जिसमें जो एप्लीकेशन का आएगा, फिर इसमें फ्यूल का मेजर एक्सपेंस है, 1500 भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें आखिर में प्रॉफिट कितना बनता है? मैंने जो $8,000 लगाया है ना, ये लगाया है मैंने एवरेज काम पे, मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा काम करें, मतलब इतना काम के आप ना 5 डेज, जैसे ये बॉक्स ट्रक आ रहा है ये सामने ना, ये बॉक्स ट्रक आ रहा है, यह बॉक्स ट्रक है, यह बॉक्स ट्रक था। तो इसमें जो है ना आप 8 घंटे काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, ये डिपेंड करता है। मैं 8 घंटे वाला काम पे वो कर रहा हूँ, 5 डेज अ वीक, तो उसके हिसाब से आप तकरीबन $8,000 बिफोर एक्सपेंसेस आप अर्न करते हैं, आफ्टर एक्सपेंसेस आप कर लें 5,000 to 6,000। ये मैंने अब आप कहेंगे कि यार ये तो कम है, इसमें इतने एक्सपेंस है। देखें ये जो है ना, एक तो इसका डिफरेंट फायदे हैं, एक तो ये कि चलो ठीक है, ये नॉर्मल काम करके आपने 5,000 to 6,000 तक कमा लिया, ये कम अज कम है। ज्यादा काम करेंगे फिर ज्यादा होगा, जैसे बाज का तो होता है कि अपना काम का बर्डन बहुत ज्यादा है, उस सूरत में 8 घंटे की बजाय 10, 12, 13, 14 घंटे तक काम करते हैं। अब 14 घंटे ड्राइव तो 14 घंटे से ज्यादा अलाउड नहीं होती, लेकिन बाज का ये होता है कि आप जो है ना वेट करना होता है, तो वो फिर उस सूरत में ड्राइविंग काउंट नहीं होती जब आप वेट कर रहे हो, गाड़ी खड़ी है और आप वेट कर रहे हैं, तो उसमें 14 आवर्स लोग काम कर लेते हैं 15 घंटे, उस सूरत में कमाई फिर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है। तो मैं जो बात कर रहा था कि $6,000 बाकी साल के आखिर में ना इसमें टैक्स जो है ना वो सेव कर लेते हैं। टैक्स कैसे सेव करते हैं? टैक्स ऐसे सेव करते हैं, जैसे आपने ये कपड़े लिए या आपने शूज लिए या आपने कोई और चीज ली, उसको साल के आखिर में आप जो है ना वो कर देते हैं, वो एक्सपेंस में उसको काउंट करते हैं, जिससे आपका टैक्स फिर कम बचता है। लेट्स सपोज आपने खर्चा किया $2,000 या जितना भी, वो जब आप कैलकुलेशन में डालेंगे, मेंटेनेंस डालेंगे, चीजें डालेंगे, तो वो फिर जो है ना वो प्राइस टैक्स आपका कम लगता है। तो $8,000 मैंने लगाई हुई है और उसमें से तकरीबन $2,500 एक्सपेंस है, तो $5,000 to $6,000। अब एक्सपेंस वेरी करता है, बाजू का जो है ना रिपेयर आ सकती है, लेकिन रिपेयर कितनी का आती भाई इसमें,
रिपेयर जो है ना गाड़ी की तरह ही है, आप ये ना आराम से चलते रहे, फ्यूल चलता रहे, तो रेगुलर इसकी मेंटेनेंस है, ऑयल चेंज है, ऑयल चेंज होता है कम 4-5-6 महीने के बाद ही होता है। कितनी उसकी कॉस्ट होती है? 1000 के अंदर अंदर ही हो जाता है ऑयल चेंज, अगर कोई बड़ा डैमेज ना हो, कोई और चीज ना हो। कुछ लोग तो खुद भी ऑयल चेंज कर लेते, लेकिन उसके लिए खैर वो शॉप पे जाना बेटर होता है, क्योंकि उसको उठाना करना थोड़ा सा सामान हर किसी के पास नहीं होता। सो इट्स ओवरऑल अ गुड बिजनेस, बॉक्स ट्रक का बिजनेस, जिसमें जो है ना आप $5,000 to $6,000 एक नॉर्मल गाड़ी के लाइसेंस से आप जो है ना ये काम कर सकते हैं। और आपने अपने प्राइवेटली तौर पे भी आपने कोई लोड लिया हुआ, कोई आपको ऑर्डर आ जाता है वो आप करते हैं तो ठीक है, वरना लोड बोर्ड से करके। और फिर दिस इज अ स्टार्ट, आप मतलब इसको ऐसे ना कंपेयर कर लीजिए कि आप ये ट्रक के बिजनेस से कंपेयर कर लें, या बड़े ट्रक के बिजनेस से कंपेयर कर लें, या बहुत ज्यादा ड्राइविंग से कर लें। अच्छा यार, ये लोकल में ज्यादा पैसे बन जाते हैं या उसमें बन जाते हैं, ये काम पे डिपेंड करता है। अब लोकल में एक बंदा जो है ना, एक का ट्रक बिल्कुल ब्रांड नहीं है, उसने लीज भी पे कर रहे हैं, अब वो ज्यादा काम नहीं करेगा, दिमाग उसका फट जाएगा, तो वो फिर 15,000, 16,000, 20,000 कहते हैं, बड़े ट्रक की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी ठीक है। और एक बंदा जिसने सारा कुछ ही कैश पे किया हुआ है, वो 8 घंटे भी काम करेगा तो उसको इतना मसला नहीं होगा। सो मैं बॉक्स ट्रक पे ही रहता हूँ, ओवरऑल जो है ना इट्स अ गुड थिंग, बजाय कि फैक्ट्री से काम करने से, या जो है ना जहाँ पे $12-$14 की जॉब्स है, उससे बेटर है कि लाइसेंस लेके आप ये ना बिजनेस शुरू करें। और यही नहीं होता कि सारी उम्र इसी पे रहना होता, ऐसे ऐसे जंप आउट करते हैं। मैंने 2-3 चीज़ों और मुख्तलिफ बातों को इसमें ना कवर किया, मैं नेक्स्ट में ना क्वेश्चन आंसर भी इसमें ही अपनी तरफ से खुद ही क्वेश्चन करूंगा कि लाइसेंस कैसे लें, उसको ये लें, कॉस्ट कितनी होगी, वो ये होगी, तो खुद भी मैं उसको ना मजीद बेहतर करने की कोशिश करूंगा, अभी तो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन दे सका बॉस ट्रक के मुतालिक। सो ओवरऑल इसमें बेटर चीज़ होती है कमाई को एक तरफ रख ली जाए, यू कैन से यू आर डूइंग अ बिजनेस, हालांकि जॉब पे भी वही काम करते हैं बट इसमें बिजनेस कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट कम भी हो जाए, कितना 4,000 हो जाएगा, चलो 3,000 हो जाएगा, बट यू आर डूइंग अ बिजनेस, फिर आहिस्ता सब बढ़ता है, बेहतर होता है, जो जो आपको चीज़ समझ आए तो ये यूज से करें, डोंट बाय, डोंट गो फॉर द न्यू वन, और लीज पे लेने के बजाय कैश पे काम करें, सो दैट आपका टेंशन जो है वो कम रहे। और ओवरऑल इट इज अ गुड थिंग। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। कोई कमेंट बॉक्स ज़रूर लिख दिया करें, कुछ भी लिख दिया करें, या कुछ इम्प्रूवमेंट लिख दिया करें, या जो है ना उसमें कोई कोई आइडिया भी जो है ना वो लिख दिया करें कमेंट बॉक्स में। आई ट्राई टू रीड जो लेटेस्ट वीडियो के कमेंट्स होते हैं, मैं उसको पढ़ने की कोशिश करता हूँ। पुरानी जो वीडियो है उनमें कोई अगर मेरे सामने से गुजर जाए तो देन आई ट्राई टू रिप्लाई, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।